अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ट्रस्टी वाइब्स। और आज है अल्हम्दुलिल्लाह 26वां रोज़ा, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े सारे बहुत अच्छे जा रहे हैं। और इसी तरीके से आपके इसी सपोर्ट की वजह से आज हम लोग जो है वो वीडियोस वगैरह बनाते जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छा जा रहा है सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। और साथ ही साथ जो है वो आज बनाने वाले हैं हम वाइट कढ़ाई। तो आज चलते हैं किस तरीके से वाइट कढ़ाई बनाएंगे, कुछ अलग तरीके से बनाएंगे, तो आपको भी देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो चले चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं आज कैसे बन रही है। ये है हाफ की चिकन, और हम बना रहे हैं मलाई हांडी। ये डाला इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके बाद 1 टीस्पून हमने इसके अंदर डाल दिया नमक, 1 टीस्पून हमने कुटी मिर्च, 1 टीस्पून हरा धनिया, 1/2 टीस्पून हमने इसके अंदर काली मिर्च, 1/2 टीस्पून हमने इसे गरम मसाला, और 1 टीस्पून वाइट पेपर। अब इसमें हमने 1/2 कप दही डाल दिया है, लीप की क्रीम है, अगर आप डालना चाहें तो आप ये डाल सकते हैं, बाकी और भी क्रीम्स आती हैं ऑलपर्स वगैरह की, अगर आप चाहें तो वो डाल सकते हैं। अब आप तवे पे थोड़ा सा तेल डालेंगे और इन चिकन के पीसेस को रखते जाएंगे और इसको अच्छी तरीके से सेकते जाएंगे। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बोटियां सिकती जा रही हैं, और अच्छे तरीके से इनको आपने सेकना है। अच्छा, इसमें जो है वो 4 हरी मिर्चें और 3 प्याज का पेस्ट बनाया है मिक्स करके। अब आपने इन चिकन की बोटियों को एक अलग प्लेट में अलग से निकाल लेना है। अब आप 1/4 कप ऑयल लेंगे, और इसमें जो वो पेस्ट बनाया था हरी मिर्चों और प्याज का, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरीके से पकाना है। अब इसमें आप 2 लौंग और 2 हरी इलायची आप ऐड कर देंगे। अब आप इसे अच्छी तरीके से ब्राउन करेंगे। अब प्याज के ब्राउन होने के बाद इसमें वो वाला बैटर ऐड कर देंगे जिसके अंदर हमने चिकन को मैरिनेट किया था, वो वाला सारा का सारा बैटर आप इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए आप इसके अंदर थोड़ी सी और क्रीम ऐड कर सकते हैं। अब आप इसके अंदर वो फ्राइड की हुई चिकन ऐड कर देंगे। तो गाइस, फाइनली वाइट कढ़ाई ज़बरदस्ती तैयार हो चुकी है, इसके ऊपर चीज़ का स्लाइस भी रख दिया है। अब अफ्तारी का टाइम है, चलो अफ्तारी करते हैं। तो फाइनली गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ्तारी हो चुकी है, और बहुत ही यकीन करें बहुत ही ज़्यादा लजीज और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा एक दफ़ा। और आप लोगों को जो है वो कल है 27वां रोज़ा, तो इंशाल्लाह कल जो है वो एक नई अफ्तारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।